हाय फ्रेंड, मेरा नाम दीपक कुमार दास है। मैं उड़ीसा से हूँ। मेरा गांव का नाम हाथीउड़ है। मैं बेंगलोर में आया था, अभी 1.5 साल हो गया बेंगलोर में आए हुए। लेकिन मैं जब पहले आया, मेरे को सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी मिला, तो मैं वेदांतु में 2018 दिसंबर को ज्वाइन किया था। ज्वाइनिंग के बाद तो मुझे रिसेप्शन में ड्यूटी मिल गया, मैं वेदांतु का एक सिक्योरिटी गार्ड बन गया। लेकिन बाद में मेरा हॉबी था एक, मेरे पेंटिंग बनाना, आर्ट बनाना, पेंसिल आर्ट ऐसे सब बनाता था, और सिस्टम में भी थोड़ा बहुत बना लेता था स्केचेस वगैरह। तो यहाँ का एम्प्लॉयर ने धीरे धीरे देखा मेरा आर्ट वर्क को, और सब अच्छा भी बोलने लगे। फिर आनंद सर वगैरह, आनंद सर, पुलकी सर, बंसी सर, ये सब टीचर लोग भी बहुत मुझे हेल्प किया, एम्प्लॉय लोग भी बहुत हेल्प किया। कभी मेरे पास टूल्स लाने के लिए भी पैसा नहीं रहता था, फिर भी एम्प्लॉय लोग ने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं 2019 सितंबर को रिजाइन किया था, मेरा जो टेरियर का सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी था मेरा, वेदांतु से मैं चला गया था। 20-25 दिन के बाद मुझे कॉल आया रिजाइन होने के बाद, तो आनंद सर ने कॉल किए थे, उन्होंने मुझे डायरेक्ट बोला दीपक आके ऑफिस आ जाओ और ड्यूटी में ज्वाइन हो जाओ। तो मैं उनको एक बात पूछा था कि सर मैं फिर से वो ड्यूटी नहीं जा सकता, उधर नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने मुझे एक बात बोले थे कि तुम आ जाओ ऑफिस और मिल के बात करते हैं, आ जाओ। तो मैं एक दिन आया ऑफिस में, उनके साथ मिला और बात किया। उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोले कि एम्प्लॉय में ज्वाइन होना है आपको, वेदांतु में ज्वाइन होना है, और उसका अंदर आप कुछ भी सीखो, कुछ भी काम करो, आपको जो अच्छा लगेगा वो करो, आप कोई टेंशन नहीं है, जो होगा मैं देखूँगा। तो उसके बाद मैं दो तीन दिन के बाद मैं आया और ज्वाइनिंग भी मेरा हो गया। ज्वाइन करने के बाद अभी तो सब ठीक है, अच्छा चल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला, और वेदांतु में ज्वाइन होने के बाद मेरा लाइफ भी थोड़ा अच्छा चल रहा है अभी। तो मुझे ज्वाइन हुए वेदांतु में अभी 2 मंथ हो गया है, अभी तक तो बहुत कुछ सीख चुका हूँ, अभी आगे भी बहुत कुछ सीखना है। और मैं वेदांतु को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और ऊपर वाले को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आनंद सर और सब एम्प्लॉय को बहुत, और टीचर्स को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सब मेरे साथ भी, जब सिक्योरिटी गार्ड काम करता था तभी से मेरे से बिहेवियर भी बहुत अच्छा से बात करते थे, फ्रेंडली बात करते थे, इसीलिए सबको थैंक यू। Being Vedantu.